राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर भोपाल से। बीजेपी और कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का अंदेशा यहां पर है। क्रॉस वोटिंग को लेकर दोनों पार्टियों ने तैयारी कर ली है। बीजेपी के नारायण त्रिपाठी और शरद कौल पर कांग्रेस की नजर है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बड़ा बयान इस पर कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर रही है, बीजेपी सरकारी एजेंसियों का संगठन के रूप में इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस का कोई भी विधायक डरने वाला नहीं है, यह कहना है कुणाल चौधरी का। तो बड़ा आरोप, बड़ा बयान कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का सामने आया कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर रही है। तो राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का अंदेशा जता रहा है। देखिए, बीजेपी के पास संगठन है, ईडी, सीबीआई, आईबी और यहाँ पे कहीं ना कहीं और भी संगठन, आयकर विभाग, और ये संगठन है। इन संगठनों से कर रही होगी कोशिश बीजेपी, पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई भी विधायक इनसे डरने वाला है। बीजेपी इन संगठनों का दुरुपयोग बंद कर दे, फिर बताते हैं कि लोकतंत्र में होता क्या है। लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करना बीजेपी बंद कर।